चले तो चर्चा करेंगे नेक्स्ट। आगे है आज और जो पढ़ा दिया गया है वो पूछेंगे। लास्ट टाइम जो चर्चा किया नहीं, कल किस किस चीज की चर्चा की थी हमने, सीखा था क्या नंबर, आखिर नंबर क्या होते हैं। तो नंबर हमारे क्या है, दो होते हैं सिंगुलर और प्लुरल, दो नंबर होते हैं। और सेंटेंस के टाइप्स की भी बात की थी। और कल जो सीखने का प्रयास किया था, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव और कंडीशनल को सीखना है। ठीक है, तो चलो पूछ ले जाए। तो भाई ओके, टेल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव सर, इट्स सो सो कर्स ब्लेस विश। चलिए यानी कार्ड्स ब्लेस विश को दिखाता है। एग्जांपल एक दो दे सकते हो। मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा, और मे लिव यू लॉन्ग लाइफ। चलिए मे लिव यू लॉन्ग, मे यू लिव, मे लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ। ओके यस। इटर कंडीशनल, इट्स कंडीशन क्या बात है। मैंने इतना सिंपल ही पढ़ा दिया कि कोई भी ये नहीं कि जब आप ना दे हैं। अच्छा, कंडीशनल होता है जी। ठीक है, कुछ सेंटेंस का एग्जांपल दो। सर मैं कलाई नहीं हैं, कलाई नहीं ये लो रे। अच्छा, कल नहीं आए होगा, बैठ जाओ तो भैया, कल नहीं आए तो। हाँ, एग्जांपल ओ you went come this is the example of condition sentence. No, sir. Yes, you were sick. Sir, hindi mein, hindi mein na, english mein batao re. Now tell us one example. Acha chalo hindi mein bata do. Chalo ha sir, matlab agar tum mehnat karoge to pass ho jaoge. Acha ji, kya baat hai. Chale hindi mein batao, english mein kaise bolenge is baat ka। चलो अभी तो लिखा है, लिखा है अभी, संडे बनाने सिखाए कहाँ हैं। चलिए वैसे कौन बता सकता है। अच्छा, अब याद आ गया तुम है। यू टेल संदीप, यू इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेसफुल। नो, यू आर मेकिंग मिस्टेक। थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। अगर तुम मतलब मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। हाँ, इफ यू विल वर्क हार्ड सो यू विल पास। अच्छा जी, हाँ, इफ यू विल वर्क हार्ड, हाँ बोलो सेंटेंस। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। नहीं आएगा, याद रखना। कंडीशन या तो आपकी होगी फ्यूचर की, ठीक है, उसका जो सेंस होगा वो फ्यूचर होगा, बट जो फर्स्ट क्लाउज है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा या सिंपल पास्ट में बनेगा या पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इफ के साथ यानी कंडीशन सेंड के साथ, बस तीन ही कंडीशन होती है, ठीक है। यानी तीन कंडीशन को शो करता है, एक तो आपके फ्यूचर कंडीशन को शो करेगा, बट जो क्लाउज बनेगा आपका वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, सेंस देगा फ्यूचर का। क्योंकि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो या तुम मेहनत करोगे तो यू विल पास, भाई तुम पास हो जाओगे हैं। या इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुमने मेहनत करी होती तो भाई यू वुड पास, तुम पास हो जाते। या पास परफेक्ट में जा सकता है, क्योंकि इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो कंडीशन जो है तीन होती है, कोई नहीं अभी तो एग्जांपल की कोई मतलब रट्टा लगाने की बात है, ठीक है। जैसे जैसे आप सेंटेंस को सीखेंगे बनाना तो ऑटोमेटिकली आप बना लेंगे, चिंता ना करो। जब आपको पढ़ाया जाएगा ये कंडीशन सेंटेंस हैं डिटेल में आपको, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्लैप फॉर एम सेट। तुमने जो बताया था वो यू विल सक्सेसफुल कहा था, यू विल सक्सेसफुल। तो जो सक्सेसफुल है ये आपका वर्ब नहीं है, ठीक, ये जो है आपका एडजेक्टिव है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो हमने सीखा था, चलो ये हो गया जी, चलो कंडीशन हो गया, ऑपरेटिव हो गया है, और क्या सीखा था हमने, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी तो एक्सक्लेमेटरी क्या
क्या होता है? यस यू टेल। हाँ सुमित, योर नेम सुमित क्या है? शिवम। हाँ बोलो। यस बोलो अभिषेक। इट्स शोज सडन फीलिंग। इट्स शोज सडन फीलिंग। कैसे? एग्जांपल कोई दे सकते हो? एग्जांपल कोई बात आगे बस फंस जाती है। सर जो मैंने पहले दिया था है, जो मैंने पहले दिया था। कैसे? ओ यू वेंट कम। ओ यू वेंट कम हैं क्या? इंग्लिश की वो तो टांग को यू वेंट कम। ओ यू वेंट कम क्या है ये मतलब? यस तुम आ गए हैं। ओ तुम आ गए। ओ तुम आ गए तो आंख पर कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अरे बात नहीं। हां ओ आई हैव कम। Oh, I have come. Oh, you have come. Oh, you have come. दूसरे के लिए बोलो ना। Oh, you have come. अरे तुम आ गए भाई। इस तरीके से ठीक है। You went come क्या बोलूँ? टांग तोड़ दूँगा। Sorry, sorry, sir. चले, क्लैप करें आप सुन। चलिए तो हमने क्या जाना है अभी तक? हमने जाना है कंडीशनर। कंडीशनर मतलब इट शोज कंडीशनर। कंडीशनर शो करता है जैसे कि इफ यू कम टू मी आई विल टीच। अगर आप मेरे पास आओगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ यू गो देयर, अगर तुम वहां जाते तो यू वुड सॉरी इफ यू गो देयर, अगर तुम वहां जाओगे तो यू विल मीट राहुल। कभी तुम राहुल से मिलोगे ठीक। तो इस तरीके से मतलब ये कंडीशनर आपके सेंटेंसेस होते हैं। और सिखाया था तुमको ऑपरेटिव। ऑपरेटिव बोले तो इट शोज आपका ब्लेस कार्स बून विश प्रे इस चीजों को शो करेगा। जैसे आपको बताया था मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास, मे यू गेट सक्सेस, इट मीन्स दिस। उसके बाद सीखा था जो था और जो सीखा था हमने वो क्या था आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी बोले तो इट शोज सडन फीलिंग। सडन फीलिंग को शो करता है। एज ओ ही हैज फॉलन डाउन, कभी नीचे गिर गया है तो इस तरीके से। या ओ ही हैज पास्ड, कभी अरे भैया पास हो गया है। या वेल डन यू हैव वॉन द मैच, क्योंकि बहुत अच्छे आपने मैच को जीत लिया है ठीक। तो इस तरीके से ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और बाकी जी का था नंबर। नंबर बोले तो भाई टू नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर बोले तो इट रिप्रेजेंट वन, और प्लूरल बोले तो इट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा को दिखाता है ठीक। इतना अभी तक हमने सीखा। चले तो आज थोड़ा धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं ठीक है। और आज जो चर्चा करेंगे हम वो चर्चा करेंगे पर्सन की। आखिर पर्सन क्या होता है? आज पर्सन को सीखेंगे। पर्सन पर्सन बोले तो मतलब व्यक्ति ठीक है। व्यक्ति कितने होते हैं? तो याद रखिएगा जो पर्सन होते हैं ना देर आर थ्री टाइप्स। बस पर्सन ना आपके तीन ही होते हैं, यानी थ्री टाइप्स, तीन प्रकार होते हैं जी। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन ठीक। तीन प्रकार के होते हैं पर्सन। कैसे कौन कौन से होते हैं यार? फर्स्ट पर्सन, एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, एक होता है आपका सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। ये तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। और ये मैं आपका बेस बनाता चल रहा हूँ किसके लिए? टाइम एंड टेंस के लिए। जब हम टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे ठीक है, जब हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे तो इनकी हमको जरूरत पड़ेगी सबकी। इसलिए हम पहले से ही इन बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस के लिए, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। तो तीन पर्सन होते हैं आपके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ठीक। तो आखिर फर्स्ट पर्सन क्या होता है? तो याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन का मतलब है यानी जो भी मतलब कुछ कह रहा है, जो भी कहने वाला है वो आपका फर्स्ट पर्सन होगा। यानी जो कहने वाला है वो आपका फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन बोले तो जो सुन रहा है वो आपका सेकंड पर्सन होगा। यानी कहने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकंड पर्सन। और किसी तीसरे के बारे में बात करने लगे ना वो थर्ड पर्सन होता है। यानी जो कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सामने वाला सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके मतलब किसी तीसरे की बात करने लगे तो वो आपका थर्ड पर्सन। यही तीन पर्सन होते हैं, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, किसी तीसरे के बारे में बात करने लगे तो वो थर्ड पर्सन। और याद रखिएगा इन तीनों ही पर्सन में ना सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर होता है। तीनों ही आपके पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर होता है। यानी फर्स्ट पर्सन में भी आपका सिंगुलर और प्लूरल होता है, यानी इसमें भी आपका सिंगुलर और प्लूरल होता है ठीक। और सेकंड पर्सन में भी आपका सिंगुलर
और प्लुरल होता है, सिंगुलर को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, उनको सबको है। ऐसे आपका थर्ड पर्सन में भी आपका सिंगुलर प्लुरल होता है, यानी तीनों में आपका सिंगुलर और प्लुरल होता है, तीनों में आपका। इसमें जो सिंगुलर होता है आपका होता है आई, और जो प्लुरल होता है वी। इसमें जो आपका सिंगुलर होता है यू, और प्लुरल बिना यू ही होता है। इसमें जो आपका सिंगुलर होता है वो ही, सी, इट, और किसी का भी नेम हो, ये आपका सिंगुलर होता है। और इन सबका जो प्लुरल होता है वो होता है दे। इन सबका प्लुरल जो होता है वो आपका दे होता है, ठीक। यानी तीनों पर्सन में ही आपके सिंगुलर और प्लुरल का खेल होता है। एक चीज का ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लुरल, ये सिंगुलर ये नेचर में मान लीजिए कि ये सिंगुलर है, लेकिन याद रखना ये यूज में ना प्लुरल होता है। अब आपको क्या करना है, ये तो एक इनका नेचर है, ठीक है। आपको जो सीखना है ना वो यूज सीखना है। तो याद रखिएगा इंग्लिश में ना ये चार वर्ड होते हैं, आई, वी, यू और दे, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ये चार वर्ड है इंग्लिश में, आई, वी, यू, दे। और ये चारों वर्ड जो है आपके यूज में हमेशा प्लुरल होते हैं, नेचर में कैसे हो, नेचर में ये कैसे भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, लेकिन यूज में ना ये चारों के चारों ना होते हैं आपके प्लुरल, ये चारों के चारों आपके प्लुरल होते हैं। और याद रखिएगा जो ये वर्ब लेते हैं ना वो भी ये प्लुरल ही लेते हैं, जो वर्ब लेंगे वो भी ये प्लुरल लेंगे। आगे जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम सीख लेंगे, चिंता ना करो, ठीक। यानी ये आपके चारों के चारों यूज में प्लुरल होते हैं, और वर्ब भी ना अपने साथ प्लुरल ही लेते हैं, ठीक। अच्छा, बाकी इनको छोड़ करके जितने भी बचता है वो सब सिंगुलर है, ठीक। बाकी जो बच्चा आपका वो सब सिंगुलर है, उनके साथ जो ट्रीट करेंगे वो सिंगुलर के जैसा, उसको एक जैसा मान के चलेंगे। चार वर्ड है, और इनको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सिंगुलर प्लुरल का कोई ज़्यादा खेल करना पड़े। और जब आपको टाइम एंड टेंस सिखाया जाएगा तो आपको कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं लिखाया जाएगा ऐसा कि भाई एक वचन कर्ता के साथ ये करते हैं, बहुवचन के साथ ये करते हैं, ऐसे ये करते हैं, वो लगाते हैं, कुछ नहीं। वो एक अलग टेक्निक होगा, उसको आप बहुत ही सिंपल वे में आप सीखेंगे और आसानी से आप उसका यूज कर पाएंगे। तो ये चार वर्ड हैं जो इंग्लिश में हमेशा मतलब होते हैं प्लुरल, और वर्ब भी लेते हैं प्लुरल। बस एक है आपका आय, जो आपके पास में जाकर के सिंगुलर होता है, क्योंकि वैसे भैया प्लुरल है तो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत आबरू को बचाएगा। तो पास में बस एक जगह ये आपका कॉन्टिन्यूस में होता है आपका ये सिंगुलर, जहाँ पर आय के साथ वो आ जाता है, नहीं तो आय के साथ वर्ब भी आता है, ठीक। तो ये चार वर्ड है, तो ये होते हैं आपके पर्सन। तो मैं चाहता हूँ कि इतना लिख लिया जाए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जो यूट्यूब देख रहे हैं वो क्या करना है, वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आपको टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो को पोस्ट करके। चलिए जी, तो हमने जाना पर्सन, पर्सन आपके तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोले तो जो कहने वाला, और कहने वाला याद रखिएगा सिंगुलर, यानी एक भी कह सकता है कहने वाला, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कहने में, यानी कहने वाला एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा भी। एक होगा तो आय होगा, एक से ज्यादा होगा तो वी होगा, और सुनने वाला एक ही हो सकता है तो भी वही भी होगा, एक से ज्यादा होगा तो भी यू ही होगा, और तीसरे व्यक्ति की बात करें तो वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक होगा तो वही होगा, सी होगा, इट होगा, किसी का नेम होगा, और उन सबके लिए जो प्लुरल होगा वो आपका दे होगा। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे हम जानने का प्रयास करेंगे आपका प्रोनाउन का टेबल, ठीक है। एक टेबल पढ़ना है जो हेल्प करेगा आपके टाइम एंड टेंस में, ठीक। तो उसका टेबल क्या करना है ना, आपको साथ के साथ बनाते रहना, लिखते रहना है, ठीक है। साथ के साथ आपको लिखते रहना है, समझा, मैं बाद में दूंगा, ठीक। यानी मैं टेबल बना रहा हूँ और आपको पहले कॉलम को देख लेना, कितने कॉलम क्रिएट हो रहे हैं आपके, सीधा पेज पाए सीधे पेज पर आप बना लीजिएगा, नहीं आए तो पेज को जो है लैंडस्केप कर लेना है, ठीक है। चलिए पहले कॉलम में मैं लिखने जा रहा हूँ आपका पर्सन, और इधर लिखने जा रहा हूँ आपके सब्जेक्ट या कॉलम बना लेता हूँ पहले, ठीक है। चलिए
थोड़ा खोल के बनाया जाए। पहले कॉलम में पर्सन, पर्सन में फास्ट, सेकंड और ये आपका थर्ड। चलिए जी, तो इस ये जो होता है आपका इसमें कॉलम आएगा सब्जेक्ट, ये होता है आपका, और ये प्रोनाउन का टेबल है। और प्रोनाउन में भी जो होता है ना, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, प्रोनाउन में भी ये चीज होता है आपका केस, ये केस के अंदर आता है केस, ये प्रोनाउन का केस होता है, ठीक है, ये प्रोनाउन का केस है, यानी सब्जेक्टिव केस या बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। और ऐसे ही आपका दूसरा जो आता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस केस, ठीक। और इधर जो आता है आपका वो आता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन में भी आपका दो चीजें आती हैं, इसमें भी आपकी दो चीजें इसके अंदर आपकी, और वो क्या क्या है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। इसमें पजेसिव प्रोनाउन में आपका पहला आता है पजेसिव केस, और एक आता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। पजेसिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव है। या एक काम करें, थोड़ा से आगे पीछे कर लेते हैं, यानी ये प्रोनाउन लिख दे ऊपर, एक बार इसको पजेसिव केस में रखो, पजेसिव केस, और इसको पजेसिव प्रोनाउन करो, प्रोनाउन, और इसको पजेसिव एडजेक्टिव। उल्टा पुल्टा कर रहा है क्या? ऐसा ही तो था, कहाँ कर दिया? पजेसिव एडजेक्टिव, अरे आ जाए भाई, पजेसिव एडजेक्टिव, थोड़ा पीछे चलना है, ठीक है, थोड़ा पीछे चलो, कभी कुछ सारे के सारे तो गलती हो गई है, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव और ये पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, क्या क्या आएगा देखो। फर्स्ट पर्सन में जो आएगा आपका वो आएगा आपका आर और वी, आर और वी। इसमें जो आएगा आपके ऑब्जेक्टिव केस में मी आएगा, और इसमें आपका अस आएगा। इसमें जो आपका आएगा वो पजेसिव एडजेक्टिव में माय आएगा, इसमें आवर, ठीक, यानी आवर। और इसमें जो आएगा आपका वो माइन और आवर्स। सेकंड पर्सन में आपका जो आएगा सब्जेक्टिव केस में यू आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी आपका यू आएगा, और इसमें आपका आएगा योर, और इसमें आएगा आपका योर्स, इसमें ही आएगा सी इट और दे, और ये आपका हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया है, हिम हर इट और देम, इसमें आपका हिज, ये आपका ब्लैंक रहेगा है, ये आपका इसमें
hearts. It's और ये आपका blank है और ये रह गया them तो dear और dears ठीक। तो इसको लिख लीजिए, जो YouTube देख रहे हैं वो अपना वीडियो को पॉज करके इसकी सॉन्ग ले लेंगे। चलिए तो लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए। ये चीजें तुमको जो लिखा है ये आपका पुराना पुराना हमने पढ़ा केस, ठीक है। केस मतलब हिंदी में बोले तो वैसे कारक, ठीक है। केस वेस वैसे कुछ नहीं, और केस का होता है जब किसी का किसी से ना किसी से कुछ ना कुछ संबंध होगा तब केस होगा, ठीक है। यानी बिना संबंध का कोई केस नहीं होगा। तो केस पहला हमने आपको बताया पर्सन, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो आता है आपको क्या क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आपका आता है आई और वी, यानी सब्जेक्टिव केस। और नॉमिनेटिव केस में जो आता है आपका आई और वी आता है। सब्जेक्टिव को आप नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आई और वी, आई और वी बोले तो क्या, आई और वी का जो इस्तेमाल होगा याद रखिएगा उसका प्रयोग जो होगा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के जगह पर होगा। जहां सब्जेक्ट आएगा वहीं पर आपका आएगा क्या, आई और वी, ठीक। जहां बात आए अपने की कहने की कि मैं या हम, तो उस केस में जो इस्तेमाल होगा वो आई वी, या दूसरे तरीके से ये फाइनली आप मान लीजिए कि आई और वी का इस्तेमाल सब्जेक्ट की जगह होगा। आगे आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है इसका इस्तेमाल जो होगा वो ऑब्जेक्टिव के स्थान पर होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपके मी और अस का प्रयोग होगा। आगे आपका पजेसिव ऑब्जेक्टिव, पजेसिव ऑब्जेक्टिव बोले तो ये आपका माय, और याद ये जो लिख रहे हैं इनका इस्तेमाल जो होगा याद रखिएगा इनके बाद ना कोई आपका नाउन आएगा, याद रखना कोई ना कोई इनके बाद सब के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, बिना नाउन के इनका इस्तेमाल नहीं होता है। इनका बिना नाउन के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर किया तो मामला ब्लंडर हो जाएगा, याद रखना है बात। इनके बाद यानी कोई ना कोई नेम आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा, क्योंकि नाउन का मतलब क्या होता है, नहीं। आगे है आपका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग याद रखेगा इसका जो प्रयोग है आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी कर सकते हो और सब्जेक्ट के स्थान पर भी, इनके इनका प्रयोग आप दोनों जगह कर सकते हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों जगह, यानी पजेसिव प्रोनाउन का आप दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी और सब्जेक्ट के स्थान पर भी। ये इनकी खास बात होती है आपके पजेसिव प्रोनाउन की, और कैसे कैसे इनका यूज होता है वो अभी हम लाइव चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी दिखा देते हैं कैसे कैसे इस्तेमाल करना है और इनका मतलब क्या होता है हिंदी में, ठीक। हिंदी में भी मतलब का जानने का प्रयास करेंगे। तो ये है आपका प्रोनाउन का टेबल जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी टाइम एंड टाइम्स में, ठीक। टाइम एंड टाइम्स में इन सब की जरूरत होगी आपको, और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं टाइम एंड टाइम्स की तरफ, ठीक है। बस कुछ ही दूरी पर है, जो बेसिक फंडा है वो आपको पता होना चाहिए और वो चीज़ें हम सीख रहे हैं। अब एक चीज आती है कि आय का मतलब क्या होता है, आय का मतलब क्या होता है, मी का मतलब क्या होता है, माय का मतलब क्या होता है, और माइन का मतलब क्या होता है। तो याद रखना सबका मतलब ना मेरा होता है, सबका मतलब मेरा होता है। आय बोलो, मी बोलो, माय बोलो, माइन बोलो, सबका मतलब मेरा होता है। यानी आय है, मी है, माय है और माइन है, याद रखना इन सब का मतलब मेरा है, इन सब का मतलब मेरा है, किसी का मतलब भी तेरा नहीं है। सबका मतलब मेरा है, किसी का मतलब तेरा नहीं, ठीक। अब तुमने देखा होगा जब तुमने पढ़ा होगा तो क्या करवा दो रटलावा दोगे भी, आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है, आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब होता है मुझे या मुझको, हैं ऐसे करके कर दे होंगे, या माई का मतलब क्या भाई, कि माय का मतलब मेरा, तो माय का मतलब मेरा हो, और काय का मतलब मेरा तेरा मत करना, माय का मतलब बस मेरा, और नो माइन का मतलब भी मेरा भाई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुमसे आय का मतलब भी मेरा होता है, ये सब होता है,
यानी आय को बोले तो आप आय का मतलब भी मुझे होता है, मी का मतलब भी मुझे है, माई का मतलब भी मुझे है, माइन का मतलब भी मुझे है, ठीक है, किसी का मतलब भी तुझे नहीं है, ठीक। अभी देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे 100 रुपये की जरूरत है, मुझे 100 रुपये की जरूरत है, मुझे 100 रुपये की जरूरत है, तो मुझे 100 रुपये की जरूरत है। अभी ये बात आए, मान लीजिएगा इंग्लिश में आपको सेंटर मिल जाए कहीं, जहाँ आए मुझे, अब आप मुझे के लिए ढूंढते रहोगे, भैया मी के मतलब हमने मुझे पढ़ाता रट्टा मार, कुछ नहीं, मुझे है, तो मुझे ये देखो कि कहाँ प्रयोग हो रहा है, ये प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह प्रयोग हो रहा है, सबका मतलब मुझे है, सबका मतलब मुझे है, किसी का मतलब भी तुझे नहीं है, तो यानी अब मुझे आ रहा है तो बोलो मुझे आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो बोलो क्या लेगा, आय लेगा ना, सीधी सी बात है, आय आएगा, हो गया काम पर फिनिश, आय क्या बनेगा वो बाद की बात है, दिस इज सेकेंडरी थिंग, वो तो हम आगे सीखेंगे, मेरा मतलब है कि इनका यूज कैसे करना है, ठीक है, वो चीज सिखा रहा हूँ आपको। चलिए इतना क्लियर हो गया, आय का मतलब मुझे हो गया जी। मान लीजिएगा मैंने बोला तुम मुझे परेशान करते हो, तुम मुझे परेशान करते हो, अब तुम मुझे परेशान करते हो तो बोलो इस सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है तुम, तो बोलो ये सब्जेक्ट है, आए क्या है, मुझे परेशान करते हो, परेशान क्यों करते हो, मुझे करते हो, तो बोलो ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जो आ रहा है ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो बोलो यहाँ पर क्या आप आय लगाना पसंद करोगे, क्या नहीं आएगा भाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, देखो आय का मतलब भी मुझे होता है, मी का मतलब भी मुझे होता है, ठीक, इस तरीके से, और आय का मतलब मेरा भी है, ठीक है, मी का मतलब भी मेरा है, माइन का मतलब भी मेरा है, माई का मतलब भी मेरा है, जैसे हमने बोला कि भाई यह है मेरा पेन है, अब यह है मेरा पेन है, तो यह मेरा पेन है, तो देखो मेरा के साथ क्या जुड़ा है, पेन जुड़ा है, मेरा के साथ क्या जुड़ा है, पेन, यानी पजेसिव केस का मतलब क्या होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब हो गया जो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, सब्जेक्ट यानी जो कुछ, मान लीजिएगा आपका चाहे वो डुअर हो चाहे नॉन डुअर हो, यानी प्रायोरिटी उसको ज्यादा दी जा रही है, क्योंकि उसको पहले रखा जा रहा है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है जिसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जा रही है, जिसको महत्वता मतलब ज्यादा दी जा रही है, वो आपका पहले आएगा, तो जो पहले आएगा वही आपका सब्जेक्ट है, जो बाद में इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आप सेकेंडरी मान रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब बात आए कि भाई यह मेरा पेन है, अब यह मेरा पेन है तो मेरा पेन पजेसिव केस यहाँ पर होगा, पजेसिव केस का मतलब क्या होता है, पजेसिव केस का मतलब पजेशन, पजेशन बोले तो अधिकार, जहाँ पर अधिकार जमाने की बात आए, जहाँ पर अधिकार जमाने की बात आए उसको हम पजेसिव केस कहते हैं, पजेसिव केस वहाँ होगा जहाँ पर आप अधिकार की बात करोगे, तो हमने कहा यह मेरा पेन है, तो मेरा पेन है बोलो अधिकार जमाने का प्रयास किया, यह मेरा पेन है तो मेरा पेन है, और यार ये जो हमने कहा कि भी पजेसिव केस होगा, अभी जो लिखवाया तुमको, यानी पजेसिव केस में भी क्या क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है और आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये जो माय है क्या है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है ये, अभी लिखवाया जस्ट लिखवाया था ना माय, यानी दो कॉलम बनवाया, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव का बनवाया पहला, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन का, तो यहाँ पर माय था, तो माय है, तो ये क्या है, पजेसिव आपका क्या है, एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये भी आपके किसको दिखाएगा, अधिकार को शो करेगा, और अधिकार को शो करेगा, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यानी मेरा पेन, यानी ये किसके साथ टच है, पेन के साथ, जैसा तुमको कहा कि पजेसिव एडजेक्टिव ना बिना आपके नाउन के नहीं आएगा, और जो पजेसिव प्रोनाउन बताया ना उसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, याद रखना उनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, उनके बाद कोई नाउन लगाना का प्रयास करो तो वो ब्लंडर हो जाएगा, यानी आपका पजेसिव एडजेक्टिव के साथ तो आएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव कैसे, जैसे अभी मान लीजिए पजेसिव एडजेक्टिव है मेरा पेन, तो मेरा पेन तो यहाँ हो जाएगा माई पेन, ठीक है, माई पेन हो जाएगा ये, क्योंकि इसके साथ जो जुड़ा है वो क्या जुड़ा है, नाउन जुड़ा है, और ये एडजेक्टिव कैसे, ये जान लीजिए एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, नॉर्मली एक सिंपल ही वे में आप फिलहाल जान लीजिए, वो तो बात की बात है जो डिटेल में हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना जान लीजिए ये क्या है आपका, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, पेन क्या है आपका,
नाउन है, ये क्या आपका नाउन है, तुमको बताया था जो भी किसी का नेम वो क्या होगा नाउन होगा। और याद रखना नाउन के पहले जो रहता है ना वो एडजेक्टिव रहता है, बात खत्म हो गई। जो नाउन के पहले रहता है वो क्या रहता है एडजेक्टिव। तो ये आपका एडजेक्टिव है, अब कैसा एडजेक्टिव है तो भाई ये प्रोनाउन का टेबल हमने पढ़ लिया, ये है पजेसिव एडजेक्टिव, बात खत्म हो गई कि नहीं हो गई, कोई यहाँ तक किसी को आपत्ति है? अगर मान लीजिएगा आप इसको डायरेक्टली कर दें कि भाई ये मेरा है, मान लीजिए ये सेंटेंस आपको मिला होता नंबर फोर, हम लिखे यह है मेरा है, अब यह है मेरा है ठीक है, यह आपको मान लीजिएगा बोलना है यह मेरा है, तो जब यह है मेरा है तो बोलो मेरा, यहाँ किसी के बाद यहाँ कोई नाम कौन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, जब कुछ नहीं आ रहा तो बोलो यहाँ पर माइन आएगा कि नहीं आएगा, माइन आएगा ठीक है। अगर आप यहाँ कहते माई तो याद रखना ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो इसको फुलिया बनाने का प्रयास करें तो दिस इज माइन ये बनेगा, दिस इज माइन। अगर आपने बोला दिस इज माय ये मेरा गलत हो जाएगा, व्हाई बिकॉज दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव आपका बिना नाउन के नहीं आएगा, इसको नाउन चाहिए, इसको नाउन चाहिए, ये बिना नाउन के नहीं आएगा, यानी इसको जो चाहिए वो नाउन चाहिए, बिना नाउन के आता ही नहीं, बट ये आपका बिना नाउन प्रोनाउन का आएगा। यानी इसको राइट करना तो क्या करना पड़ेगा, दिस इज माय पेन आप बोलिए ये आपका राइट हो जाएगा दिस इज माय पेन, बट यहाँ कहा दिस इज माय पेन, यहाँ कहा दिस इज माय पेन, तो याद रखना फिर ये ब्लंडर हो जाएगा, व्हाई बिकॉज आफ्टर पजेसिव प्रोनाउन वी डू नॉट यूज नाउन और प्रोनाउन एनीथिंग एल्स, यानी इसके बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं लेकर आना है ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा, कोई यानी कोई नाउन नहीं आएगा, तो अगर लाओगे तो वो ब्लंडर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझना चीज को ठीक। तो सबका मतलब मेरा है, सबका मतलब मुझे है, किसी का मतलब भी तेरा या तुझे नहीं है ठीक, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इनका हम, रट्टा किसी का नहीं लगाना है, कभी आय का मतलब बस मैं ही होता है, आय का मतलब मुझे भी होता है, आय का मतलब मेरा भी होता है ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे आप मान लीजिए मुझे को देख लिया, आय का मतलब मुझे हो गया, देख लिया आपने है, आपने मी का मतलब भी देखा क्या है मुझे हो गया, अब आपको देखना है मेरा, आय का मतलब मेरा, कैसे देखो आय का मतलब जैसे बोलना है कि भी मेरा मेरा ध्यान यही है, मेरा ध्यान यही है और कहीं नहीं है, तो मेरा ध्यान यही है तो बोलो मेरा कहाँ प्रयोग हो रहा है, सभी भी हो रहा है, तो बोलो इसके आया है कि नहीं आएगा, क्या मान लगाना पसंद करोगे, मान लगाओगे क्या, नो व्हाई बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड एज आ सब्जेक्ट, सभी ग्रुप में इस्तेमाल हो रहा है, यस एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन है तो बोलो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलो, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, और मेरा ध्यान यही है, अच्छा फुल्ली की बात है कि मेरा ध्यान यही है, तो आई हैव माय अटेंशन हियर, आई हैव माय अटेंशन हियर, मेरा ध्यान यही है, आई हैव आई हैव क्या है मेरा ध्यान यही है ना, तो आई हैव अटेंशन हियर, आई हैव अटेंशन हियर मेरा ध्यान यही है, इस तरीके से। तो आय का मतलब मेरा भी होता है, आय का मतलब मुझे भी होता है, आय का मतलब मैं भी होता है, बट यू नीड टू चेक द प्लेस ऑफ मुझे मेरा मैं, ये आपको प्लेस चेक करना है कि मेरा मुझे कहाँ कहाँ आ रहा है, मतलब किस जगह आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह तो नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव की जगह आ रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, पजेसिव प्रोनाउन की जगह आ रहा है तो पजेसिव प्रोनाउन आएगा ठीक है। जैसे बोला यह है मेरा पेन है, यह है मेरा पेन है, तो भाई दिस इज माय पेन हो जाएगा, यह है मेरा पेन है, दिस इज माय पेन, और बोलना है आपको यह है, देखो एक ही बात को यह है मेरा पेन है, दिस इज माय पेन हो गया, हमको बोलना है यह है पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो बोलो मेरा के साथ ये पेन जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा ना, लेकिन है फिर भी पजेशन, पजेशन फिर भी है, अधिकार ये दिखा रहा है कि भाई यह पेन मेरा है, बट मेरा के साथ कोई भी नहीं आ रहा, बाद में कोई कुछ नाम नहीं आ रहा है, कोई आ रहा है क्या, कोई नेम नहीं आ रहा ना, और जब नहीं आ रहा ना तो उसके इसमें ना माइन आएगा, वाई बिकॉज पजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन नहीं आता, तो वहाँ उसके इसमें पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, यानी दिस पेन इज माइन, दोनों का
सेंस जब निकालोगे दोनों का, जब ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो मतलब एक ही है, पेन मेरा ही है, किसी का नहीं है, बट दोनों में अंतर है. हियर यू आर यूजिंग माय एज एन पजेसिव एडजेक्टिव एंड हियर यू आर यूजिंग माइन एज एन सॉरी एज पजेसिव प्रोनाउन. ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव. दोनों का सेंस एक ही है, पैर मेरा ही और किसी का नहीं है. इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं जो आपकी टेबल है, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना है जो आप बचपन से आप लगाते आए हो कि भाई आय का मतलब मैं ही होता है, आय का मतलब मुझे ही होता है, मैं का मतलब मुझे ही होता है. नहीं भाई, मैं भी होता है, मुझे भी होता है, मेरा भी होता है, बट तेरा किसी का नहीं होता, तेरा नहीं होता, तुझे नहीं होता, ठीक है, ये सब है. बट आपको पोजिशन चेक करना है कि जो मैं है, मुझे है, मेरा है, ठीक है, मेरी है, वो कहाँ प्रयोग हो रहा है, ये चीज़ आपको चेक करना है, ठीक है, उसका पोजिशन क्या है, इस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है. बस यू नीड टू चेक पोजिशन ऑफ दैट. क्लियर है यहाँ तक? यदि बात समझ में आई, अगर ये बात समझ में आ गई ना तो मैं चाहता हूँ ये लिख लिया जाए और यहीं छोड़ेंगे, ठीक है. और कोई क्वेरी क्वेश्चन है जो यूट्यूब लिख रहा है वो कमेंट करना है, और वीडियो जैसा भी लगे बताना है, फिर भी आपको कमेंट करना है जैसा भी लगता है वीडियो, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो ताकि वो भी सीखे. दिस इज एडवांस एंड बेसिक. बेसिक में यही एडवांस है, आपने टेबल तो खूब पढ़ा होगा, रट्टा लगाया होगा, पर दिस इज एडवांस एंड बेसिक, ऐसे पढ़ते हैं. चलिए.